नमस्ते कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। कर्क लग्न के लिए मार्च 2023 कैसा रहे? देखिए, इस महीने में जो 20 दिसंबर से 20 फरवरी तक जब ये वीडियो मिलेगा, आप देख रहे हैं आपके फैमिली में आपके बोलने से मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ा हो सकता है, ऐसा टाइम से आप गुजर गए। 20 फरवरी अभी भी बाकी है, शायद ये वीडियो आपको 20 फरवरी के पहले मिलेगा मार्च का। लगभग 13 तारीख को फरवरी को मिलेगा और आप उस दौर से गुजर रहे हैं, तो फैमिली में डिस्प्यूट से थोड़े आपकी जबान नहीं खराब करिएगा, ये राहु का आखिरी चरण आपके नेगेटिविटी से आप गुजर रहे हैं। अब इस महीने का जो मैंने प्रेडिक्शन लिखा है, यू हैव टू बी केयरफुल फॉर द हेल्थ ऑफ योर स्पाउस, ये 15 मार्च से 24 मार्च में ये चीज आप फील करेंगे, आपके स्पाउस के हेल्थ से आपको केयरफुल रहना है उनके लिए। और 25 मार्च से 7 अप्रैल कुछ ऐसा होगा, आपके काम धंधे में हो सकता है या कहीं और हो सकता है, आपका कहीं ना कहीं कुछ खराब हो जाएगा ऐसा आपको दिखाई देगा फर्स्ट अपीयरेंस में, बट उसकी वजह से कोई बहुत बड़ा फ्यूचर का अच्छा डोर खुलने की संभावनाएं बता रहा है। 25 मार्च से 7 अप्रैल में एक बहुत अच्छा योग बन रहा है। और देखें, अभी डेट वाइज प्रिडिक्शन करने के पहले ये केयरफुल रहने की तारीख बता रहा हूं, ये तारीख को कहीं कैलेंडर में मार्क करें। और इस दिनों में अगर आपकी जॉब नई है, आपका कैरियर कुछ नया है, आप कुछ नया कर रहे हैं, तो इन दिनों में उस चीजों को अवॉइड करिएगा, यानी कि आपके प्रॉब्लम्स है अपने सीनियर के पास लेके जाने के पहले रुक जाइएगा, नहीं जाइएगा हो सके तो। हो सके तो अपने आप पर कंट्रोल रखिएगा। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करते हैं, जैसे 1 और 2 मार्च कुछ नेगेटिव दिन से शुरुआत होने वाला ये महीना 1 और 2 तारीख आपके लिए मार्च का एक्सपेंसिव साबित कर देगा, आपको खर्च साबित कर देगा 1 और 2 मार्च। इस दिनों में हो सके इतने डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। अगर कभी कभी क्या होता है कि ऐसे दिनों में, ये सुबह 3 तारीख तक है ये, यानी कि 1 तारीख की रात भी रहेगी ऐसे ही, कोई भी डिसीजन अगर आपके आपको लेना ही है तो आपका बेस्ट करिएगा कि भाई आप उस जगह पे खड़े रह के क्या बेस्ट कर सकते हैं। ये कोई स्ट्रेसफुल टाइम भी मान सकते हैं, इससे बचना हो समझो तो शिव मंदिर में जाइएगा, शिव पंचाक्षर है, बिल्वाष्टकम है, लिंगाष्टकम है, शंकर भगवान की कोई भी स्तुति 1 और 2 तारीख को मार्च को करके अगर ऑफिस पे जाते हैं तो अच्छा है। बर्ड्स के लिए पानी रखते हैं टेरेस बालकनी या गैलरी में, डेफिनेटली अभी तो विंटर सीजन है फिर भी बोल रहा हूं मैं, बर्ड्स को आप पानी दे सकते हो, अच्छी बात है। 1 और 2 मार्च को पानी का मिसयूज भी टालिएगा, 1 और 2 मार्च आपके लिए टेंशन का है। अब जैसे ही 3 और 4 मार्च आती है, 5 मार्च को रात को 9 बजे तक का टाइम, 3, 4 और 5, 3 तारीख को सुबह 9 बजे से सिचुएशन आपके कंट्रोल में आने लग जाएगा, आप रिवाइज करने लग जाएंगे कि आपने क्या बेवकूफिया की, किस लिए हुई, सेल्फ ऑब्जर्वेशन का दिन है ये 3, 4 और 5 तारीख, अपने आप को ऑब्जर्व करो, कहां आपने क्या किया, उसकी वजह से क्या गलती हो गई। यू आर वेरी सेंसिटिव पर्सन, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है आप, ज्यादा दिल से जीते हैं परिवार को, दिल से जीते हैं मतलब परिवार को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, अपने सुखों को छोड़ देते हैं बहुत बार। मैं ये देखता हूं फैमिली के लिए डिवोशन आपके पास बहुत अच्छा होता है, अगर जो कैंसरियन है और अगर एक फीमेल है, यू कैन बी अ वेरी गुड मॉम, एक अच्छी माँ बनने का जो वो है वो आपके भगवान की तरफ से मिला हुआ है। अटैचमेंट, जो दिल से अटैचमेंट आप कर पाते हैं, तो 3 और 4 तारीख और 5 तारीख आपका सेल्फ स्टडी करने का टाइम। अब 6 और 7 तारीख फाइनेंशियली सबसे बेस्ट है इस महीने का, अगर कहीं आप देखिए 1 और 2 मैंने बोला आपको, 6 और 7 तारीख फाइनेंशियली सबसे बेस्ट दिन है। ये दिन में अगर आपके पैसे किसी से लेने के बाकी है, अगर आपको किसी से पैसा लेना बाकी है, या इन दिनों में फूड फैमिली और फाइनेंस ये तीनों तीन एंजॉय करेंगे 6 और 7 तारीख को। 6 और 7 तारीख आपके लिए बेस्ट साबित होने वाला है, सरस्वती आपका साथ देती हुई दिखाई देगी। अगर आप कोई ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जहां बोलने से पैसा है, आपकी वाणी की कीमत है, तो ये तारीख 6 और 7 तारीख आपके लिए अच्छी साबित होगी। 8 तारीख 9 तारीख और 10 तारीख को, 8 तारीख 9 तारीख और 10 तारीख को शाम को 6, 6:30 बजे तक का जो टाइम है, ये हो सकता है भाई बहन के साथ का रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश करें, सोसाइटी कोई मीटिंग हो सोसाइटी की, वहां जाकर आप
कोशिश करेंगे, वहां हीरो बनने की कोशिश करेंगे। अभी 10th हाउस में राहु आया है, काम धंधे के लिए आपके सफर बहुत मजबूती से आप आगे बढ़ रहे हैं। देखिए जो मैंने बोला, जो फैमिली में जो आपका अगेंस्ट में जो मोहरे चले, ये 20 फरवरी के बाद वो खत्म हो जाएगा, यानी कि 21 फरवरी से आपके फैमिली के मोहरे आपके फेवर में आने शुरू हो जाएंगे। आपके हाथ से कुछ नेगेटिव बात भी करवा देगा, बट इन शॉर्ट 8, 9 और 10 तारीख भाई बहन के साथ के रिलेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करिएगा, अगर बिगड़े हुए हैं तो, और अगर अच्छे हैं तो हो सकता है कोई ना कोई स्ट्रांगनेस वहां दिखाई देगी। 11 और 12 तारीख ये अपनी माँ के साथ का अटैचमेंट का टाइम है, मामा के साथ का, और मन घर के अंदर आप एक शांति का अनुभव करेंगे। जनरली आप कैंसरियन है तो आपका ज्यादातर, देखिए जो कैंसरियन जो कर्क लग्न है भगवान रामचंद्र जी का, एक बेस्ट राजा अगर हिंदुस्तान की उसमें गेना दिखा जाए तो भगवान रामचंद्र जी के, जीवन भर दूसरों के लिए जो जीने वाले लोग हैं वो पर्सनालिटी आप लोग, आपके परिवार के लिए जीने वाले लोग हैं, और जो राजा जैसा तो राम पूरा अपने राज्य के लोगों को अपना ही परिवार समझे वैसे लोग। तो 11 और 12 तारीख आप वो पर्सनालिटी, अपने आप को अगर आदमी जानता है तो फिर बाद में और डिसीजन लेना बड़ा सुविधाजनक होता है। 11 और 12 तारीख यू विल फील हैप्पीनेस एट होम, घर के साथ मन की एक अजब शांति का अनुभव और माँ के साथ का आपका अटैचमेंट का अनुभव आपको 11 और 12 तारीख को होगा। अब 13 और 14 तारीख कोई ना कोई सामने पंगा होगा आपका, 13 और 14 तारीख को हो सकता है, ये आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम है। सामने से चल के मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर नहीं फेंकिएगा। 15 और 16 तारीख को देखिए, जो 13 और 14 तारीख का जो दिन है ये आपके लिए मैं ऐसा मानता हूं लविंग टाइम है। 13 और 14 तारीख का मतलब इट इज द डे कोई ना कोई आइडिया क्लिक होगी आपके माइंड में 13 और 14 तारीख को, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। 13 और 14 तारीख आपके अंदर एक बच्चे के साथ का अटैचमेंट का टाइम है, बच्चों की ग्रोथ का टाइम है स्टूडेंट के लिए। 13 और 14 तारीख बेस्ट साबित होने वाला है, बेस्ट साबित होने वाला स्टूडेंट के लिए वो 13 और 14 मार्च कोई आइडिया नई क्लिक हो सकती है। शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए भी 13-14 आप अगर अपनी आइडिया से, देखिए शेयर बाजार में लोग जो काम करते हैं वो जनरली दूसरे की आइडिया से काम करते हैं, बट अगर आप आपकी आइडिया से कोई काम कर रहे हैं, कोई आप कोई आइडिया से कनेक्ट कर रहे हैं तो 13 और 14 तारीख बेस्ट रहेगा। आप जिसको प्यार करते हैं उसके साथ एंजॉय करने का टाइम है, उसको समझने का टाइम है 13 और 14 तारीख। 15 और 16 आई विल से हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम है, किसी से पंगा ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए, झगड़ा बड़ा विशाल स्वरूप धारण भी कर सकता है, सो माथापुट नहीं करिएगा 15-16 तारीख को, किटपिट माथापोड़ी झगड़े से दूर रहने की कोशिश करिएगा। आपका हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, अगर कहीं से लोन प्लान करके आगे बढ़ने का आप सोच रहे हैं तो बेस्ट टाइम है 15 और 16 तारीख। अब 17 और 18 तारीख आप छा जाएंगे, दोज हु आर अनमैरिड उनके लिए 17 और 18 तारीख विवाह का ऑफर का संदेश भी लेके आ सकता है। कोई लड़का या लड़की देखने जाने का प्रोग्राम हो तो 17 और 18 तारीख बेस्ट होता है आपके लिए। आप जैसे लोगों का वैवाहिक जीवन में मैंने बहुत बार देखा है कि जो चार्म दूसरे मैरिज में से होता है, जैसे लियो में कैंसरियन में ऐसा चार्म नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल आपके या आपके स्पाउस के लग्न या सप्तम में शुक्र है तो ही, अदरवाइज आप लोगों का मैरिज लाइफ इतना चार्मफुल मैरिज लाइफ नहीं होता, यानी कि बहुत स्पाउस को आप दिल से छू जाने वाले तो आप पर्सनालिटी है ही डेफिनेटली, बट फिजिकल अट्रैक्शन वो सब आप लोगों में बाद में धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये तारीख है 17 और 18 मैरिज लाइफ एक एडजस्टमेंट होता है, और ये तारीख आप 17 और 18 को स्पाउस के साथ का डिस्टेंस आप बहुत हद तक कम कर पाएंगे। 19 और 20 तारीख आपको टेंशन देकर जाने वाली, 19 और 20 मानसिक तनाव रहेगा आपके पति या पत्नी के परिवार के साथ का, कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन 19 और 20 को उजागर होगा। देखिए आप अध्यात्म में जाते हैं आप तो ये तारीख पर्टिकुलरली ये 19 और 20 तारीख जो ऐसा रहेगा आपके लिए कि ये आपको आध्यात्मिक लेवल पर कहीं ना कहीं बहुत, देखिए अभी अष्टमेश अष्टम में आ गया है आप लोगों को, मैंने बहुत सारे कैंसरियन को ऑब्जर्व किया है घुटनों का प्रॉब्लम होता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर नीस, नी के लिए केयरफुल रहना चाहिए। 19 और 20 तारीख स्ट्रेसफुल और दुखदायक रहेगा। आध्यात्म में जाते हो तो चमत्कार महसूस हो सकता है, ध्यान योग करने के लिए मैंने बहुत कैंसरियन को सजेशन दिया, क्योंकि आप विचारों पर अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर सकते, एक
एक डर होता है घर में, कोई अगर लेट आ जाता है, कैंसरियन है आप, मन एक शक से शंका से घिर जाता है, तो सब कैंसरियन के लक्षण है। भावनाओं पर कंट्रोल नहीं होता, अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं होता, तो 19 और 20 तारीख टेंशन में बीतेगा। 21 तारीख और 22 तारीख, देखिए 22 तारीख से चैत्री नवरात्रि भी प्रारंभ होगा, हिंदू न्यू ईयर है। 21 तारीख को अमावस भी है, हो सकता है 21-22 तारीख को आप कोई ना कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग पर जाएंगे, यह संभावना भी ज्यादा है 21 और 22 तारीख को। 21 और 22 तारीख आपके लिए लकी साबित होगा, आध्यात्मिक टाइम है ये 21 और 22 तारीख का। भाई बहन के वैवाहिक जीवन के साथ का भी छोटा मोटा कोई कनेक्शन आ सकता है, बट इट इज अ पॉजिटिव थिंग, मतलब रिलीजियस ट्रैवलिंग भी अच्छी चीज है। आपको कोई ना कोई समझो, अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप फॉरेन ट्राई कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में आपको बहुत बड़ा मौका 13 मार्च से 4 मई में मिलेगा, अगर आप स्टूडेंट हैं और फॉरेन ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि आपके 9th हाउस में ऑलरेडी गुरु है जो आपको फॉरेन से रिलेटेड सपोर्टिंग में रहेगा। और 21 और 22 लकी और ट्रैवलिंग का टाइम, रिलीजियस ट्रैवलिंग का टाइम। 23 और 24 और 25 तारीख, ये दोज़ हू आर जॉबलेस उनके लिए बेस्ट है। 23 तारीख को एक अंदाज से दोपहर को 2 बजे के बाद का टाइम, और 24 तारीख पूरा दिन, और 25 तारीख को शाम को 7:30 बजे तक का टाइम, जो इस तरह से बीतेगा कि आपको बहुत बड़ा अपॉइंटमेंट किसी का लेना हो अगर आपके हाथ में हो, तो 23-24-25 करिएगा। 23-24-25 को आपकी आपको आपके बॉस के तरफ से अप्रिसिएशन भी मिलेगा। आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, 23-24-25 को अपने बॉस के पास आपका ये पुटअप करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। 23-24-25 बेस्ट है। अब 26 और 27 तारीख शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए बेस्ट है। 6 और 7 मैंने बोला है फाइनेंशियली बेस्ट है, तो शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए ये तारीख कहीं लिख के रखिएगा, बेस्ट है। देखिए जुआ खेलना, जुआ कभी किसी का नहीं हुआ, अगर आप जुआ खेलने के लिए ऐसे नोबल प्रोफेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये काम का नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि ये जो अगर आप लॉन्ग टर्म पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ उसमें अपने व्यू के हिसाब से, आपकी जरूरत के हिसाब से करते हैं, तो ये तारीख आपके लिए पॉजिटिव है। 6, 7, 26, 27, 13, 14 26, 27 बेस्ट है, दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। ये वो टाइम है कि जिस दिन आपकी फ्यूचर प्लान को कई बड़ी एम्बिशन के साथ जोड़ेंगे, बहुत बहुत बड़ा हो सकता है। अगर आप सोशल काम से जुड़े हुए, तो ये दिन आपको बहुत बड़ा नाम वाला हो सकता है। 26 और 27 के दिन बहुत बड़ी मुलाकात आपकी ऐसे पर्सन से हो सकती है जो अपने फर्म अपने फील्ड में बहुत बड़ी ऊंचाई के प्लेस पे हो। 28-29 तारीख और 30 तारीख को दोपहर को 4 बजे तक का टाइम, ये टाइम है आपके लिए केयरफुल रहने का टाइम। 28, 29 और 30 ये एक्सपेंसिव भी रहेगा, जैसे मैंने आपको 1 और 2 तारीख बोला, ऐसा ही 28 और 29 तारीख को भी आपके डिसीजन अवॉइड करिएगा। 28-29 को जो डिसीजन आप ले सकते हो, कीप द डिसीजन पेंडिंग एंड इट इज अ टाइम ऑफ अ टेंशन। आपको लगेगा कि आपके हाथ से बाजी छूट रहा है, जो अनुभव आपको 1 और 2 तारीख को आया ऐसा ही कुछ अनुभव आएगा, लेकिन ये 28-29 तारीख को कुछ, मैंने पहले ही बताया कि जो 25 तारीख से 7 अप्रैल में आपका हाथ कुछ गलत हो जाएगा ऐसा लगेगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में ये बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है आपके लिए। जो भी कुछ गलती हुआ है उस गलती से आपको लाभ होगा, ये चित्र मुझे दिखाई दे रहा है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, 30 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद आपका पोजिशन चेंज होने लग जाएगा, यानी कि आपका जो काम में जो टेंशन आया वो अब ठीक होने लग जाएगा। 31 तारीख और 30 तारीख, ये 30 तारीख को रात को 10 बजे के बाद गुरु पुष्य नक्षत्र है, अगर आप ऑस्पिशियस डे है, अगर कोई चीज खरीदते हैं आप, तो ये लंबे समय तक रहेगा इसका गुरु और पुष्य नक्षत्र, और इसको अमृत से कनेक्ट किया है, यानी कि बहुत लंबे समय तक वो चीज जीवित रहती है। तो गुरु पुष्य अमृत नक्षत्र है, और 31 तारीख को आपको दिस इज द टाइम आप भावनाओं के साथ, अपने आप के साथ, भावनाओं के साथ आप 31 दिन गुजार देंगे, यानी कि आपके अंदर आप देखेंगे बहुत सेंसिटिव पना फिर से उभर गया है। देखिए ज्यादातर मैं देखता हूं आप एक विचारक है, यू आर ए थिंकर, आपके विचारों से किसी को फायदा हो ये देखें, और ये दिनों में अपने आप को नेगेटिविटी से कंट्रोल रखें। पर्टिकुलरली 15-16 तारीख, मैंने एक तो स्पाउस के हेल्थ के लिए आपको 15 मार्च से 24 मार्च तक केयरफुल रहने के लिए बोला है, और ये 15 और 16 मार्च हो सकता है आपका या आपके स्पाउस का
हेल्थ के लिए कोई ना कोई नेगेटिविटी ये आपको जरूर दिखाएगा। अगर जो लोगों का डिवोर्स जैसा केस चालू है, ज्यादातर मैं देखता हूँ कैंसरियन को स्पाउस के साथ का डिवोर्स जैसा मामला मैंने बहुत बार देखा, अगर हो ऐसा है तो की बात, सबका ऐसा नहीं होता। अगर डिवोर्स जैसा मामला है तो ये टाइम आपको 15 मार्च से 24 मार्च परेशानी में डाल देगा, ये अच्छा टाइम नहीं है। हो सके तो कोर्ट का तारीख हो, अगर अभी आने वाला टाइम में है तो इसको अवॉइड करिएगा। 15 मार्च से 24 मार्च आपके लिए मानसिक तनाव का रहेगा अगर कोर्ट कचहरी का डेट हो तो। अब देखें इसको, जॉब के लिए मैंने 23, 24, 25 आपके लिए बेस्ट बोला है। बिजनेस के लिए आई हैव सेड नो, बिकॉज अभी जो एक ऐसा टाइम से आप गुजरेंगे कि जहां एक तो नेगेटिविटी का टाइम देख रहा हूं मैं, तो इस महीने में कोई नया स्टार्ट लेना चाहते हैं तो रुक जाइएगा, थोड़ा टेंशन का टाइम है। 25 मार्च के बाद सितारे आपको बिजनेस के लिए ठीक होने लग जाएंगे। हेल्थ के लिए आपको 15 और 16 को केयरफुल रहना है। स्टूडेंट के लिए 13 और 14 बेस्ट है। कोई नई आइडिया से क्लिक कर रहे हैं तो 13-14 बेस्ट रहेगा आपके लिए। और दोज हु आर फॉर द हायर एजुकेशन, उनके लिए मैं मानता हूं 21 और 22 बेस्ट है। स्टूडेंट के लिए 13-14, 21 और 22 बेस्ट स्टूडेंट के लिए। प्यार करते हैं उनके लिए 10th मार्च इसके लिए बेस्ट है क्योंकि चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है। 10th मार्च को शुक्र यहां है और चंद्र कन्या राशि में, तो ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। कन्या राशि में 10th मार्च को, 8 मार्च से कन्या राशि में चंद्र आ रहा है तो ये अपोजिशन है चंद्र शुक्र का, तो ये प्रपोज वपोज करना हो तो 10 मार्च आप में कहीं ना कहीं हिम्मत भी बड़ा होगा, तो इसका आप एडवांटेज ले सकते हैं 10th मार्च को। विवाह के लिए मैंने सो बोला 17 और 18 तारीख, मैरिज लाइफ के लिए 17 और 18 तारीख अगर विवाह के लिए आप कोशिश कर रहे हैं तो लड़का या लड़की देखने का प्रोग्राम हो तो 17 और 18 तारीख को रख सकते हो, भले बीच में आता है ये तारीख, बट ये दिन इंपॉर्टेंट है, इस दिन में आपके बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो ये अबाउट आइडिया है आपका इस महीने का, आपको ये कम से कम ये तारीख 1, 2, 15, 16, 19, 20 डालना है। 28, 29 तारीख को कुछ रॉन्ग डिसीजन होंगे बट वो फ्यूचर में कुछ फायदेमंद साबित भी होंगे, ऐसा दिखाई देगा दे रहा है मुझे। अब ये गजकेसरी योग की तारीख है, ये चंद्र शुक्र का योग है, इसको भी देखें। जो लोग एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, जो सीखना चाहते हैं समझना चाहते हैं, इसको ऑब्जर्व करें। और प्रदोष का व्रत है 4 और 19 मार्च को, आपको ये तारीख नेगेटिव है इन दिनों में, हो सकता है शिव मंदिर से होकर जाए तो बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। बर्ड्स के लिए पानी रखो और पानी का मिसयूज कम करो और भगवान शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा, 4 और 19 मार्च को फायदेमंद रहेगा। चतुर्थी है 11 और 25 मार्च को, इस दिनों में आपके कर्मस्थान में चैलेंजेस ज्यादा है, दूसरों के हाथ के नीचे काम करना बहुत बार आपको स्ट्रेसफुल इसके लिए होता है क्योंकि आपके जो पप्पा है बहुत एम्बिशियस पर्सनालिटी और उसका एम्बिशन आपको वारसे में मिला है और आप बहुत सेंसिटिव पर्सन है, दूसरे के हाथ से अपमान आप ज्यादातर अच्छा नहीं लगता आपको, और इसके लिए मैं ज्यादातर देखता हूँ कि कैंसरियन अगर बिजनेस करता है तो ज्यादा सक्सेस होता है क्योंकि बहुत दिल से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं आप, दबाव से काम करते हैं उससे अच्छा। इंटरनेशनल वुमन डे है 8 मार्च को, इसके लिए मेरे जो फीमेल जो व्यूअर्स है उनको मैं बधाई दे रहा हूँ मेरी तरफ से। होली है 6 मार्च को, ये भी एक ऑस्पिशियस डेट है आप एंजॉय करने के लिए, इंडिया में तो खेलने के लिए होली का दिन त्यौहार है, मेरे व्यूअर्स को मैं अभिनंदन दे रहा हूँ इसके लिए। अभी अमावस्या है 21 मार्च को, देखिए आप दिल से जीने वाले लोग हैं, 21 मार्च को अगर विष्णु सहस्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाएंगे तो थोड़ा आपका स्ट्रेस कम होगा। अब देखिए इस महीने में 22 मार्च से गुड़ी पाड़वा है, हमारा महाराष्ट्र के लिए तो बहुत नया साल, हम महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा से शुरू करते हैं 22 मार्च से, 30 मार्च तक क्षेत्री नवरात्रि है, जो लोग माता जी की पूजा करते हैं उनके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। और आप तो वास्तव में मातृभक्त हैं, मम्मी से एक्चुअली आप माँ से बहुत अटैच पर्सनालिटी, तो क्षेत्री नवरात्रि 22 मार्च से 30 मार्च तक क्षेत्री नवरात्रि, इसका अगर आप कोई आध्यात्म से जुड़े हैं, माता जी की पूजा से जुड़े हुए, तो ये दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा। इन शॉर्ट देखें आप कि ये महीना जो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके गुरु का एस्पेक्ट है आपके लग्न के ऊपर 5th हाउस पर, बहुत अच्छी बात है, गुरु शुक्र का आपके ट्रैवलिंग के स्थान में युति हुआ है, कोई बहुत बड़ी मुलाकात ये करवा सकता है। आपका नसीब आपको साथ देता हुआ दिखाई देगा, अगर स्टूडेंट है और फॉरेन ट्राई कर रहे हैं तो 13 मार्च से 4 मई में आपका पंचमेश 12 में जा रहा है,
मंगल 13 मार्च से 4 मई में ये आपको फॉरेन का योग खड़ा करेगा। अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो बहुत बड़ा मौका मिलेगा। भाग्य में उच्च का ग्रह हो, स्वगृही ग्रह हो, तो बहुत लाभदायक साबित होता है फॉरेन जाने के लिए। तो इन शॉर्ट इस महीने को मैं पॉजिटिव देख रहा हूं। हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहने का मैंने जो बोला है, 15 मार्च से 24 मार्च आपके स्पाउस के हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। स्पाउस के साथ कोई बहुत बड़ा झगड़ा 15 मार्च से 24 मार्च में नहीं करिएगा। 25 मार्च से 7 अप्रैल आपको दिखाई नेगेटिव देगा, लेकिन उसका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। यानी कि फ्यूचर के लिए आप कहीं डिप्रेस नहीं हो जाइएगा। 25 मार्च से 7 अप्रैल में कुछ ऐसा चीज नेगेटिव होगा। सो ये महीना का लेखा जोखा इस तरह से रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको एट द एंड रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।